बड़ी खबरों की ओर। भाजपा प्रत्याशी अजय शंकर दुबे को भाजपा के ही कुछ लोगों ने हराया। अतुल तिवारी ने कहा, हिंदू रक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अतुल तिवारी ने सबकी नजर के पत्रकार सर्वेश तिवारी से बातचीत के दौरान कहा कि मुगराबाद शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी अजय शंकर दुबे को पार्टी के ही कुछ लोगों ने जानबूझकर हरवाया है। हमारा संगठन भाजपा का साथ दिया, लेकिन मुगराबाद शाहपुर से अजय शंकर दुबे हार गए। हार का कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि मुगराबाद शाहपुर क्षेत्र में कई बूथ ऐसे भी है जहां पर भाजपा का कोई एजेंट ही नहीं रहा। जिला के भाजपा के पदाधिकारी या मंडल अध्यक्ष भीतर घात किए, जिसके कारण मुगराबाद शाहपुर से भाजपा प्रत्याशी अजय शंकर दुबे हार गए। हिंदू रक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अतुल तिवारी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया, आप भी सुन लीजिए। नमस्कार, मैं सर्वेश तिवारी, इस समय मैं खड़ा हूँ मुगराबाद शाहपुर में। हमारे बीच में हिंदू रक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अतुल तिवारी जी बैठे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं, इनका संगठन किस पार्टी का सहयोग किया। अतुल जी, जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आप पत्रकार भाइयों को सादर आभार एवं धन्यवाद और समस्त मुगराबाद शाहपुर जनता और पत्रकार बंधुओं को सादर प्रणाम। अतुल जी, आपका संगठन किस पार्टी का सहयोग किया है इस बार? हमारा संगठन जो है हिंदू रक्षा मंच, जो यह एक निर्णय ले करके मुगराबाद शाहपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे श्री अजय शंकर दुबे अज्जू जी का हमारा संगठन समर्थन किया और यह विश्वास के साथ समर्थन किया कि आज मुगराबाद शाहपुर का विकास पीछे है। लोग जाम में फंसे रहते हैं। रायपुर का पुल जो है, यहाँ विपक्ष की विधायक रही, विपक्ष का सांसद रहे, दो वर्षों से रायपुर का पुल का निर्माण चलता रहा। लोग परेशान रहे, काफ़ी कठिनाइयों का सामना लोगों को करना पड़ा। यह सब को देखते हुए और हिंदू समाज के हितों के लिए देखते हुए अजय शंकर दुबे अज्जू के पक्ष में हमारा समर्थन रहा। लेकिन आप संगठन पार्टी क्या कमियां रह गया कि जो कि जीत नहीं पाए, कहां कमियां रह गई? देखिए, बड़ी लड़ाई के बीच होता है ना कि जब प्रत्याशी या व्यक्ति किसी दूसरे दल से, वो किसी दूसरे दल में सदस्यता ग्रहण करता है तो उस दल का वो सदस्य हो गया, उस दल का वो परिवार हो गया, उस दल का वो सब कुछ हो गया। लेकिन यहाँ जब अजय शंकर दुबे अज्जू जी बड़े विषम परिस्थिति कठिनाइयों से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सिंबल लेकर के आए तो मुगराबाद शाहपुर विधानसभा में तभी से जो है उनके पीछे गुटबाजियों का जो है संगठन मजबूत होता गया। जिले से लेकर के मंडल तक जो गुटबाजी बनाते रहे, वो गुटबाजी मिशन कार्यों ने सफल हुआ और वो अपने कार्य में सफल हुए और अजय शंकर दुबे अज्जू जी कुछ ही मतों से जो है चुनाव हार गए। तो ऐसा क्यों हुआ? भाजपा का उनको सिंबल मिला था, पार्टी ने उनको टिकट दिया था, क्या ये पार्टी के लोग ही वहाँ उनका विरोध किए? देखिए, मेरा मानना ये है कि मैं राजनीतिक में बहुत वो नहीं हूँ, चूँकि मैं दो चुनाव लड़ा हूँ और हार भी गया हूँ। हारना जीतना तो लगा रहता है, लेकिन कुछ लोगों की उसी दल में रह करके या ईर्षा या जो है जलनवेश कि फला व्यक्ति अगर यह जीत जाएगा तो मेरी राजनीति समाप्त हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आज मुगराबाद शाहपुर विधानसभा में अजय शंकर दुबे अज्जू जीते होते तो मुगराबाद शाहपुर की दिशा और तस्वीर कुछ दूसरी होती। भी था तो जो संगठन के जो बीजेपी के बड़े अपने आप को एक बहुत मजबूत लीडर मानने वाले व्यक्ति, इस बार वो जो है जयचंद का रोल निभाए, मुगराबाद शाहपुर में जयचंद का रोल निभाए। और उसमें और जान लीजिए, जैसे कहा गया कि सन 2017 का जो चुनाव था, जो भाजपा की जो कैंडिडेट थी महोदया जी और कांग्रेस और सपा से उस समय अजय शंकर दुबे जी, उस समय वो भी चुनाव लड़ रही थी, वे भी चुनाव लड़ रहे थे। अब इस बार वो चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा और ये चुनाव लड़े, तो यहाँ जाहिर सी बात है कि पुरानी बातों को लेकर के विरोध और साजिश नहीं करना चाहिए था। और बीजेपी के संगठन के लोग, बीजेपी के मंडल के अध्यक्ष, ये तमाम प्रकार के लोगों ने, आपको बता दूं कुछ ऐसे बूथ थे जहां भारतीय जनता पार्टी का एजेंट ही नहीं,
एक कम्युनिस्ट समाजवादी पार्टी के लोग, ये पार्टी की